वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो होने वाला है मेरा ससुराल से वापस जाने का टाइम आ चुका है मायके से ससुराल, और मैं 2 महीने के बच्चे को लेके जा रही हूँ। और जाना था 3 महीने के बाद, लेकिन जा रही हूँ 2 महीने के बाद। क्यों? क्योंकि इसके काका की शादी है, मतलब मेरे देवर की शादी है, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो बस आज छोटा सा वीडियो मैंने शूट किया है यहाँ पे सुबह के टाइम में। यहाँ पे सासू माँ आई हुई थी, उन्होंने बैग वैग सूटकेस में दीदी को सारा नया जो सामान भरना था ये पूरा भरना था। वहाँ पे बेबी सो रहा है, यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सुबला बनाया और उसके बाद हमने सारा सामान उसमें भर दिया सूटकेस के अंदर और उसको पैक करके रख दिया। तो जैसे जैसे विधि होती है वो पूर्व जैसे बच्चे के कपड़े होते हैं, तो जैसे शगुन में पैसे रखते हैं, तो यहाँ पर पैसे रखे और उसके बाद में बस वहाँ पर सारा जो मतलब जैसे भगवान को बिठाते हैं ऐसे करके और पैकिंग कर ली थी और पूजा वूजा हो गई थी यहाँ पे। और ये लोग रात में आए थे और फिर हमने सुबह सारा सामान पैक किया और बस करके। और मतलब 2 महीने 2-2.5 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और उससे पहले आई हुई हूँ मैं, तो मेरे तो कम से कम 4.5 महीने कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। एंड बहुत ऐसा टाइम रहा जहाँ पर मेरे को मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे व्लॉग शूट कर रही हूँ। बस मुझे मैंने कहा मेरा मन बहुत भारी भारी हो रहा था, कर लिया गाइस दबा के राधे को बोला दादी समोसा खाया कचौड़ी खाई सब खाया मैंने। आप सोचते हो कैसे करके। तो बस ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मेरे को इतना हैवी लग रहा था यहाँ पे मैं हूँ। एंड बस ये था कि पैकिंग हो रही थी, अब सुषमा निकलना ही पड़ेगा। एंड बहुत अजीब रहता है वो फीलिंग्स, आई थिंक सारी कल समझ सकती है जब मायके से जाती है ससुराल। एंड बस यहाँ पे पैकिंग हो चुकी है यहाँ पे, और बस हम लोग बाकी काम करेंगे, खाना वाना खाएंगे। आ चुकी हूँ जस्ट अभी और सारा सामान पैक कर लिया मैंने, और बस यहाँ पे बेबी मेरा सो रहा है यहाँ पे पीछे। और बस उसके बाद में हम लोग मेरे हस्बैंड गए हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए विद ताऊ ताई जी। और देखते हैं बोल दी। और यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कुछ बोलना चाहोगे, तो उन्होंने बोला नहीं मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। रात के 1 बज रहा था, हमारी ट्रेन थी 2 बजे की, और बस हम वेट कर रहे थे। उसके बाद में ट्रेन आई और मेरे बेबी को अब नींद नहीं आई, तो मेरे हस्बैंड 3-3:30 बजे इसको ट्रेन में घुमा रहे थे एंड देख रहे थे जिसकी वो रोए जा रहा था एंड बाकी पैसेंजर परेशान ना हो इसलिए मैं कह रही थी सो जा मेरे बेबी। बट बच्चे फर्स्ट टाइम जाते हैं ना तो प्रॉब्लम करते ही आप लोग संभाल लिया था, कहते हैं ना हाँ पति पति होता है, तो उसने अच्छे से मुझे संभाल लिया था। एंड वो मेरे बेबी को लेके घूम रहे थे, हमारे बेबी को। तो बस यहाँ पे बेबी को संभाल रहे हैं उसके डैडी और यहाँ मैं आराम कर रही हूँ, ताकि बस घर में मुझे पता नहीं था ससुराल में मुझे वेलकम किया जा रहा है। यहाँ पे बेबी के साथ में फ़ोटो वोटो खिंचाए जा रहे हैं, यहाँ पे उनकी उसकी बुआ है, यहाँ पे सब लोगों ने मुझे पता नहीं था वेलकम किया जा रहा है। और यहाँ पे सब फ़ोटो वोटो खींचा था उन्होंने, पूरा इतना अच्छा डेकोरेट किया था, इतना अच्छा डेकोरेट किया था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो जिसकी क्लिप्स मेरे पास में बहुत कम है, मेरे हस्बैंड के फ़ोन से शूट हुआ था, उसके मामा के फ़ोन से शूट हुआ था, इस वजह से सॉरी उसके काका मैं का यहाँ पे मामा नहीं है, ये यहाँ पे बच्चे की छाप लिए गए थे, बच्चे की एंट्री कराई गई थी। एंड बहुत अच्छी मेमोरीज थी। और बहुत मैं आप लोग को एक लास्ट लुक दिखा देती हूँ कि किस तरह से कितना अच्छा हमारा वेलकम किया गया था, और एक क्लिप लास्ट में ऐड कर दूँगी। तो फिर यहाँ पे डी जैसे मेरे बच्चे का नाम स्टार्ट होता है, बच्चे के पैर के छापे, फिर यहाँ से सीधे रास्ता बनाया गया था जो जाता था मंदिर की तरफ, और फिर साइड में जो मेरा रूम है वो भी वो अब तो आपने देख ही लिया। जब अभी फ़ोटोशूट चल रहा है बच्चे के साथ में, सब लोग खिंचवा रहे फ़ोटो, आई एम सो मच एक्साइटेड।
बहुत अच्छा वेलकम है, बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड के से बोला तो उन्होंने क्लिप मेरे को से मैंने सेंड की अपने फ़ोन में। एंड सी हम मुझसे फ़ोन मांग भी रही थी ट्रेन में, लाओ फ़ोन दो, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। यहाँ पर मेरा वेलकम किया गया मेरे बेबी के साथ में। एंड उसके बाद में यहाँ पर एंट्री हुई थी। एंड जो सजावट थी ना वो बहुत अच्छी थी। बच्चे के पैर के छापे लिए गए, मंदिर तक रास्ता बनाया गया। और उसके बाद में मतलब आप समझ सकते हो पहली बार जो फीलिंग होती है ना, आप बच्चे को लेके जा रहे हो और इतना अच्छा सरप्राइज मिले हस्बैंड की तरफ से। तो घर में आ चुकी हूँ, बेबी मेरी गोद में अभी सो रहा है और बस पूरा भी नहा धो के तैयार हुई, बच्चे ने शुरू कर दिया, चेंज किया है, पूरा हाल हो रहा है, पूरा सूटकेस ओपन करके बैठी हूँ, सारा सामान जो भी लेके आई हूँ सब सेट करना है और खाना आने का भी देखना है। और समझ नहीं आ रहा, आटा लगा के रोटियाँ बना रही थी, इतने में तो सिर्फ दो रोटी बनाई, इतने में तो ये जग गया बहुत तेज। फिर बहुत मुश्किल है, मम्मी होती है तो बहुत काम आसान हो जाता है। खैर बट ठीक है, मिस कर रही हूँ मम्मी को फिलहाल, और होता भी है आप देखो। और जो भी है अभी आगे देखना है। और ये छोटा मोटा वीडियो था, कैसा रहा आपको पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब।